राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित शिवा मार्केट में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में लगी भीषण आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शिवा मार्केट की बिल्डिंग में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में धुएं के बादल से दिखाई देने लगे। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो लाइट का शोरूम बताया जा रहा है। लोगों की माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। बताया कि दमकल विभाग को जानकारी मिली और घनी मार्केट होने की वजह से एहतियात बरतते हुए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचे, जिन्हें आग वाली बिल्डिंग तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल इस मार्केट के रोड के दोनों तरफ लोगों की गाड़ियां खड़ी होती है, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही थी, जिसके बाद दमकल कर्मी बिल्डिंग के तीन तरफ से आग बुझाने की कोशिश में जुट गए और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये आग लगी बिल्डिंग से सभी लोग बाहर आ चुके थे, इसकी वजह से किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं आई। हमें रात को 8:33 पर कॉल मिली थी कि शिवा मार्केट में फायर है एंड अकॉर्डिंगली तीन गाड़ी भेजी गई थी, लेकिन नंबर ऑफ कॉल ज्यादा आने पे तीन गाड़ी और बढ़ाई गई। मौके पे जब हमारे फायर ऑफिसर जो सीन पे पहले आए हैं, आग की ग्रेविटी को देखते हुए उन्होंने मेक 6 कैटेगरी घोषित किया और हमारी टोटल 12 गाड़ियां यहां आई और आपने ये देखा कि आग को हम कंट्रोल कर चुके हैं। सर, कितने मंजिलों पे आग थी? यहाँ दो शोरूम है, एक शोरूम में ग्राउंड प्लस 3 है, दूसरा ग्राउंड प्लस 3 जो है, एक ग्राउंड प्लस 3 पूरी चारों मंजिलों में आग थी और एक दूसरे वाला जो है उसमें सिर्फ चौथी मंजिल पे आग थी। फिलहाल अभी तक आग लगने के पुख्ता कारणों का पता नहीं चल पाया है और आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि नुकसान कितने का हुआ है और आग लगने की पुख्ता वजह क्या रही।